दोस्तों Realme बहुत ही जल्द अपना अपकमिंग डिवाइस Realme X Pro लॉन्च करने वाला है, जो कि इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जो कि अंडर 20,000 रुपीस में स्नैपड्रैगन के 855 के प्रोसेसर के साथ आने वाला है। और उसके साथ ही यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च करा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर इस स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से, तो दोस्तों Realme X Pro में देखने को मिलने वाला है Realme X2 के जैसा ही ग्लास बैक का डिजाइन, जो कि आने वाला है ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ। और उसके साथ ही स्मार्टफोन के बैक साइड में ही 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल, जो कि आने वाला एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ ही दोस्तों बात करें अगर इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन के 855 का प्रोसेसर, जैसा कि रेडमी K20 प्रो में हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों स्मार्टफोन के प्रोसेसर से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। एंड उसके साथ ही बात कर ले अगर स्मार्टफोन की रियर साइड की कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जहां प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल सैमसंग GW1 के सेंसर के साथ आने वाला है। और उसके साथ ही यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक टेली फोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। एंड उसके साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा 4000mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है 15W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। एंड उसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको USB टाइप सी और 3.5mm ऑडियो जैक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट, जो कि आने वाला है ColorOS 7.0 के साथ। एंड फाइनली अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको अंडर 20,000 रुपीस के करीबन देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर। एंड बात करें स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को दिसंबर के महीने तक इंडिया में लॉन्च करा जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल।